अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-माहिरु बिल-क़ुरआनी मअस-सफ़रतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन वयतअतअउ फ़ीही वहुवा अलैहि शाक़ लहू अजरान। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता लेक्चर में हम लोगों ने इस्म का दूसरे पहलू की स्टडी की थी, यानी कि जिन्स हमने पढ़ा था, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसको लिंग के नाम से जानते हैं। जैसे और ज़बानों में जेंडर दो ही तरह का होता है, उसी तरह से अरबी ज़बान में भी जेंडर दो तरह का होता था, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। तो हमने उसमें पहला कायदा ये सीखा था कि अरबी ज़बान में हर इस्म मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। तो इस लिहाज से हमने अपनी स्टडी मुअन्नस पर की थी, मीन्स हमने सिर्फ मुअन्नस के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था, एक था मुअन्नस हकीकी, यानी कि ऐसा मुअन्नस जिसके बिल मुकाबिल मुज़क्कर मौजूद हो, उसको हम कह रहे थे मुअन्नस हकीकी। उसके अलावा दूसरा मुअन्नस हम लोगों ने देखा था मुअन्नस क़यासी, उसको कह दे, या मुअन्नस अलामती, यानी कि ऐसा मुअन्नस जिसमें कोई ना कोई निशानी पाई जा रही हो। तो हम लोगों ने तीन निशानियाँ देखी थी। कोई बता सकता है वो कौन कौन सी निशानियाँ थी? नहीं, उर्दू के लिहाज से नहीं, अरबी के लिहाज से मुअन्नस होने की जो तीन निशानियां हम लोगों ने पढ़ी थी वो याद है किसी को? हाँ बताइए। गोलता, ठीक है। नंबर एक, गोलता की जिस इस्म की एंडिंग या जिस इस्म के आखिर में गोलता आता, जिसको ताए मरबूता कहते थे, वो अरबी जबान में मुअन्नस की तरह से ट्रीट किया जाता था। और कोई दूसरी निशानी? अलिफ, एंड में अलिफ, कोई जबर अलिफ और या जबर अलिफ और हमजा, उसको नाम था अलिफ ममदूदा। और नंबर तीन हम लोगों ने देखा था अलिफ मकसूरा, खड़ा जबर और या, ये तीन निशानियां हम लोगों ने देखी थी। अब इसके आगे की बात शुरू करते, पहले हम ये चार्ट ड्रॉ कर दे। हम लोगों ने देखा था कि जिन्स के एतबार से इस्म या तो मुज़क्कर होगा, जिस्म या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। और फिर मुअन्नस में फर्दर हम लोगों ने देखा था कि मुअन्नस हकीकी और दूसरा था गैर हकीकी, और गैर हकीकी में एक हमने देखा था मुअन्नस अलामती, यानी कि जो इसका कोई ना कोई निशानी थी, और उसकी का नाम था मुअन्नस क़यासी। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसकी तीन निशानियाँ थी। इसके आगे से शुरू करते, ज़बान में कुछ मुअन्नस या कुछ अस्मा ऐसे भी आते हैं जो अहले ज़बान उनको मुअन्नस या मुज़क्कर मान लेता है, उनकी ना कोई निशानी होती है, ना ही वो मुअन्नस हकीकी होते हैं, लेकिन अहले ज़बान उसको बतौर मुअन्नस अपनी ज़बान में इस्तेमाल करता है। अब जब हम किसी दूसरे की ज़बान सीख रहे हैं तो हमें भी उसके जैसे वो मानता है वैसे ही मानना पड़ेगा। इसकी मिसाल अगर हम देखें कि सूरज, अब अगर सूरज को देखा जाए, उर्दू वाले सूरज को मुज़क्कर की तरह से ट्रीट करते हैं कि मुअन्नस की तरह से? मुज़क्कर की तरह से। हम क्या कहते हैं? सूरज निकल आया, ठीक है ना। तो हम लोग मुज़क्कर को, सूरज को हम लोग उर्दू ज़बान में मुज़क्कर की तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन अरबी वाले मुज़क्कर को कहते हैं शम्स, लेकिन अरबी ज़बान वाले इस शम्सुन को, ये इसकी हालत रफ़ा हो गई, इस शम्सुन को यानी कि शम्स को बतौर मुअन्नस ट्रीट करते हैं। तो ऐसे मुअन्नस जो हम अहले ज़बान से सुनकर मुअन्नस मान लेते हैं, उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, क्योंकि हमने उनको सुन के मान लिया, इसीलिए वो कहलाते हैं मुअन्नसे समाई, यानी कि हमने समात किया और एज इट इज़ को फॉलो कर लिया, तो मुअन्नसे समाई। मुअन्नसे समाई किसको कहेंगे? हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, वो मुअन्नस जो हम अहले ज़बान से सुनकर मुअन्नस को मान लेते, या यूँ कह लें कि वो मुअन्नस जो अहले ज़बान अपनी ज़बान में उस इस्म को बतौर मुअन्नस ट्रीट करता है, वो मुअन्नस कहलाते हैं मुअन्नसे समाई। इसमें एक मिसाल आपके सामने आई, शमसुन। यहाँ तक बात क्लियर है कि मुअन्नसे समाई किसको कहते हैं? यहां तक बात क्लियर है? आप लोग रिस्पॉन्ड जरूर किया करें, जो भी चीजें क्लियर है तो भी, अगर नहीं क्लियर है तो भी रिस्पॉन्ड किया करें कि नहीं समझ में आई ये बात। जी हैंड रेस किया है, जी बताएं। ये शायद ह्यूमन ने हैंड रेस किया है। ह्यूमन कोई डाउट है आपका? चलिए कोई नहीं। मुअन्नसे समाई हम फिर से रिपीट कर दें कि बाज अस्मा ऐसे होते हैं जिसको हम अहले जबान के पर मौकूफ रखते हैं, यानी कि अहले जबान जैसे उसको ट्रीट करता है वैसे ही हुबहू हम मान लेते हैं, उसकी उस कैटेगरी को कहते हैं मुअन्नसे समाई। अच्छा, मुअन्नसे समाई के बारे में एक टेंशन आपको हो सकती है कि हम कैसे पहचानेंगे, हकीकी उसका माने पे गौर करके पहचान लेंगे, अलामती अलामत देख के पहचान लेंगे। समाई की तो ना कोई अलामत है, ना ये हकीकी मुअन्नस है, ना इसके मीनिंग पे गौर करके पहचान सकते हैं, तो ये कैसे पहचानेंगे? तो ये आपको मुताले से आएगा। जैसे जैसे आप स्टडी करते जाएंगे, या यूं कह लीजिए अपनी कॉपी में आप एक लिस्ट बनाते चले जाइए, लिखते चले जाइए ये मुअन्नसे समाई है। जैसे एक आपके सामने आ गया शमसुन, और दूसरा कोई देखते हैं जैसे है नारुन। नारुन का मतलब, शमसुन का मतलब सूरज और नारुन का मतलब आग, ये भी मुअन्नसे समाई है। इसी तरह से अर्जुन, अर्दुन जमीन, ये भी अहले अरब इसको बतौर मुअन्नस ट्रीट करता है। इसी तरह से देख लें रीहुन, रीहुन यानी कि हवा। तो ये सब मुअन्नसे समाई की मिसालें हम दे रहे हैं आपको। ऐसे ही नफ्सुन, नफ्सुन, नफ्स का मतलब जान, उर्दू जबान में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो नफ्स भी क्या है? मुअन्नसे समाई है। इसी तरह से अगर हम और एग्जाम्पल इसके देखें, हरबुन, हरबुन का मतलब लड़ाई, हरबुन का मतलब लड़ाई, तो हरबुन भी कैसे आए? मुअन्नसे समाई। यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, अहले अरब अक्सर, या यूं कह लें कि ज्यादातर जो शहरों के नाम होते हैं उसको भी मुअन्नस की तरह से ट्रीट करता है। जैसे अश्शाम, अश्शाम ये मुनसरिफ अस्मा है कि गैर मुनसरिफ अस्मा है? ये गैर मुनसरिफ अस्मा है, माशाल्लाह। इसी तरह से मिस्र, ये मुनसरिफ की गैर मुनसरिफ अस्मा? तनवीन नहीं आ रही है, मतलब गैर मुनसरिफ अस्मा, तो ये क्या है? मिस्र। इसी तरह से अहले अरब जिस्म के वो अज़ा, बॉडी के वो पार्ट्स जो जोड़े जोड़े, जैसे अपनी बॉडी में अगर हम देखें तो आंखें जोड़े जोड़े है ना, दो है ना आंखें, तो आंखें भी मुअन्नस की तरह से ट्रीट की जाती हैं। और आंखों की अरबी होती है आईनुन, इसको हम फिर से रिपीट कर दें कि जिस्म के वो अज़ा जो जोड़े जोड़े, उनको भी अहले अरब बतौर मुअन्नस ट्रीट करता है। एक हो गया आंखें, और कोई बताएगा? कान, उज़्नुन, कान को कहते हैं उज़्नुन। हाथ हमारे ये भी क्या है? पेयर्स में, ये भी जोड़े में, तो इसको हम कहते हैं अरबी में यदुन, यदुन। इसी तरह से जो पैर है वो भी कैसे? जोड़े में, तो पैर को अरबी में क्या कहते हैं? रिजलुन, रिजलुन। पैर कह ले, टांग कह ले, तो वोकैबुलरी आपकी इसी तरह से बनती रहेगी। जैसे जैसे वर्ड्स नए नए मिलते जा रहे हैं उसको याद करते चले जाइए, ठीक। तो यहां तक ये बात हुई, ये मुअन्नस है और मुअन्नसे समाई है, जो अहले ज़बान के सुनने से हमने मान लिया है। अहले ज़बान की ज़बान पर मौकूफ़ है, उनकी कोई अलामत नहीं, और ना ही वो हकीकतन मुअन्नस होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? ये ऑलमोस्ट मुअन्नस का, ये ऑलमोस्ट जिन्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया लगभग। अब इस पर सिर्फ मश्क बची रह गई, वो हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। जिन्स के बारे में जितना बताना था ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? कर लिया। इसको रफ कर दे। कैमरे के उधर आप हैं कि नहीं है? जी सर, रफ कर दीजिए। एक मिनट लिख ले थोड़ा। जी जी ठीक ठीक, टाइम दिया जा रहा है, आप नोट कर लीजिए। जी जान बोलिए। ये शमसुन के बाद क्या लिखा है? शमसुन के बाद मतलब शमसुन के जस्ट नीचे ना। जी हाँ। ये नारुन, और शमसुन का मतलब होता है सूरज। ये शमसुन है, फिर नारुन है, नारुन का मतलब आग, उसके नीचे अर्दुन, अर्दुन का मतलब जमीन, उसके नीचे रियहुन, रियहुन का मतलब हवा, फिर नफसुन, नफसुन का मतलब जान, फिर हरबुन, हरबुन का मतलब लड़ाई, और ये अशाम, ये एक शहर का नाम लिखा है, मिस्र ये शहर का नाम लिखा है, आइनुन आँख, उदुनुन कान, यदुन हाथ, रिजलुन पैर। नारुन का मतलब आग। एक और इस किताब में मुअन्नस समाई दिया है समाउन, जिसको कहते हैं आसमान, वो भी नोट कर लीजिए। समाउन आसमान। मिटा दिया। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक इस्म की गर्दान जब करते थे तो हम लोग सिर्फ उसके 3 पार्ट में उसको लिखते थे, यानी कि इराब के एतबार से हालत रफा, हालत नसब, हालत। अच्छा, ये चीजें जो पढ़ते जा रहे हैं वो भूलना नहीं है आपको। वो सारी चीजें रफा नसब जर आपका जब तक ग्रामर चलती रहेगी तब तक आपके साथ रहेगा, ठीक। तो उसको याद रखना, ऐसा नहीं कि अब रफा नसब जर वाला चैप्टर हो गया तो रफा नसब जर को भूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो अभी तक जब हम लोग गर्दाने करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि एक हर्फ के 3 गर्दान करते थे। अब यहाँ से इंशाल्लाह एक हर्फ की 6 गर्दाने हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि जो भी हर्फ लिखा जाएगा अगर वो मुजक्कर है उसका मुअन्नस बनाया जाएगा। मुजक्कर के 3 पार्ट हो जाएंगे रफा नसब जर, और मुअन्नस के 3 पार्ट रफा नसब जर। तो इस तरह से टोटल गर्दान में 6 गर्दाने अब चलेंगे इंशाल्लाह। जैसे हम लोग देखें, हमारे पास वर्ड है काफिरुन। काफिरुन हाँ, अभी जिनसी चल रहा है, जिसकी अभी मश्क करानी बाकी है। काफिरुन हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझा दें कि किस तरह से हमारे पास जो गर्दान चलेंगी, तो उसमें अब 6 गर्दान हमारी होंगी इंशाल्लाह, 6 सीधे तैयार होंगे। काफिरुन ये किस हालत में? रफा नसब जर, हालत रफा। हालत रफा की अलामत क्या है, हालत रफा की निशानी क्या है कि वो उस पर हालत रफा में 2 पेश की तनवीन आई है अगर मुनसरिफ अस्मा है, और अगर गैर मुनसरिफ अस्मा है तो पेश आएगा। ये एक निशानी है, पेश या जबर या जेर कभी भी इराब नहीं होता। तो हालत रफा में ये काफिरुन है। वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक, अच्छा ये काफिरुन क्या है? मुजक्कर, ये हालत रफा है। हालत नसब क्या होगी इसकी? हालत नसब काफिरुन, काफिरन, माशाल्लाह। और एक अलिफ का इजाफा याद रखना है, भूलना नहीं है। और हालत जर काफिरिन। ठीक, ये मुजक्कर। अच्छा, मुअन्नस अगर बनाना है, कल हम लोगों की ये बात हुई थी कि जब मुजक्कर से मुअन्नस बनाना है तो क्या करते हैं, आखिर हर्फ पर जबर देंगे, फिर गोलता का इजाफा कर देंगे, जबर देंगे और गोलता। माशाल्लाह। तो इसका मुअन्नस कैसे बनेगा, आखिर हर्फ हमारा क्या है, रॉ है, उस पर जबर दिया और गोल ता का इजाफा, काफिरतुन। ये हालत रफा, इसकी हालत नसब क्या होगी, काफिरतन। काफिरतन, एक अलिफ का इजाफा होगा, अलिफ का इजाफा होगा नहीं होगा क्योंकि गोलता एक्सेप्शन में से आ गया था कि अगर गोलता पर किसी इसम की एंडिंग हो रही है तो उसके हालत नसब में तनवीन होने के बाद भी अलिफ का इजाफा नहीं करते। का और हालत जर क्या होगी, काफिरतिन। ठीक है ना, मोनस की बात चल रही है, ये मुजक्कर ये मोनस। तो इस तरह से टोटल एक इसम के हमने 6 शक्लें हमने यहाँ पर लिखी। ठीक, अगला देखते हैं, हमारे पास है हसनुन। हसनुन मतलब खूबसूरत कह ले, अच्छा कह ले। हसनुन ये रफा हो गई, ये मुजक्कर है और इसकी नसब क्या होगी, हसनन। इसकी जर क्या होगी, हसनिन। और मुअन्नस अगर बनाना है हमको, मुअन्नस क्या होगा, आखिर हर्फ जो कि हमारा नून है, नून को जबर दिया और गोल ता का इजाफा कर दिया, हसनतुन, अच्छी या खूबसूरत होगी। ठीक ना, ये रिपीट कर दीजिए शेख। अच्छा, हमारे पास अगला वर्ड है हसनुन, ये मुजक्कर है। किसी को समझ में नहीं आया है तो उन्होंने रिपीट करने के लिए मैसेज डाला है। तो अच्छा, असल में स्क्रीन मेरे सामने नहीं रहती है तो हमें टेक्स्ट मैसेज नहीं दिख रहा होता है कि किसी ने क्या क्वेरी की। ठीक है, हम रिपीट कर दे रहे हैं। मुजक्कर क्या है यहाँ पर, हसनुन है। ठीक है, हसनुन वर्ड आया आपके पास, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ये मुजक्कर है कि मोनस है, तो सबसे पहले हम मोनस के टेस्ट में पास करें, क्या ये पहले इसके मीनिंग पे जाए। हसनुन का मीनिंग होता है खूबसूरत या अच्छा। ठीक, तो अगर जब मीनिंग पर जब हम जा रहे हैं तो ये मोनस हकीकी नहीं दिख रहा है, मोनस हकीकी से बाहर निकल गया। आगे बढ़े, ये गैर हकीकी है। गैर हकीकी में या तो अलामती होगा या तो समाई होगा। तो अलामती में देखा क्या गोलता है, नहीं है, तो मोनस यहाँ गोलता वाला भी नहीं है। अलिफ ममदूदा है, नहीं है। अलिफ मकसूरा है, नहीं है, तो ये मोनस अलामती से भी निकल गया बाहर। अब आ जाते हैं मोनस समाई। क्या अहले ज़बान इसको इस्तेमाल करता है बतौर मोनस, तो हमने जितने पढ़ के उसके हिसाब से नहीं करता, तो हम इसको डिक्लेयर कर देंगे ये मुजक्कर है। तो ये मुजक्कर की कैटेगरी में आ गया हसनुन, ये हालत रफा है। हालत नसब क्या हो जाएगा इसका, हसनन। और हालत जर क्या हो जाएगा, हसनिन। अब इसका मोनस जब बनाएंगे तो आखिर हर्फ पर जबर देंगे, नून पर जबर दे दिया और गोलता का इजाफा कर देंगे। तो हसा क्या होगा, किसका मतलब, हसन उनका मतलब अच्छा कह ले या खूबसूरत कह ले। तो हालत जर क्या होगी इसकी, हसनतन बिना अलिफ के इजाफे के। और जर क्या हो जाएगा, हसनतिन। तो ये 6 शक्लें बन रही है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई मोनस समाई दे रखा है, ठीक, मोनस समाई अगर दे रखा है तो उसका तो मुजक्कर होगा कि नहीं होगा। अगर कोई मोनस समाई दे रखा है, क्या उसका मुजक्कर होगा, उसका मुजक्कर नहीं होगा। तो जब मुजक्कर नहीं होगा तो मोनस समाई के केस में सिर्फ 3 ही शक्ल हम लोग बनाएंगे। जैसे हमारे पास अगला है नफसुन। नफसुन किसको उधर रखे, ये नफसुन। नफसुन किस कैटेगरी में जाएगा, ये हकीकी मोनस नहीं है, अलामती नहीं है, किधर जाएगा, अभी हमने पढ़ा ये मोनस समाई की कैटेगरी में जाएगा, मोनस समाई की कैटेगरी में जाएगा। नफसुन हालत नसब क्या हो जाएगी, नफसन। और हालत जर क्या होगी, नफसिन। क्या इसका मुजक्कर बनाने की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि जब अहले जबान इसको बतौर मोनस इस्तेमाल करता है तो हम इसको मुजक्कर कैसे बना सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे मश्क करते हैं, मश्क नंबर 3। नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मश्क नंबर 3 पेज नंबर 30 पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी कुछ स्टूडेंट नोट कर रहे हैं, वेट कर लेते हैं। कौन सा ये काफिरत, ये काफिरुन या हसनुन, इस पर तो बात हो गई है हसनुन पर। सवाल नहीं समझ में आया। काफिरुन, काफिरुन को अगर हम देखते हैं क्या इसका मीनिंग क्या होता है, इनकार करने वाला, ठीक। तो इनकार करने वाला क्या ये मुअन्नस हकीकी बन रहा है? कोई ऐसा है जिसके मुकाबिल मुज़क्कर मौजूद हो तो ये मुअन्नस हकीकी कैटेगरी में नहीं है। अब ये गैर हकीकी में देखते हैं, गैर हकीकी में अलामती चेक करते क्या गोलता पर एंड हो रहा है इसका, काफिरुन का नहीं हो रहा है। क्या ये अलिफ ममदूदा पर एंडिंग हो रही है? नहीं हो रही है। क्या अलिफ मकसूरा पर एंडिंग हो रही है? रिप्लाई करें, क्वेश्चन किसने पूछा है? ठीक, तो ये क्या अलिफ मकसूरा पे एंडिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये मुअन्नस अलामती नहीं है। और समाई में हमने जितने भी वर्ड्स लिखे थे उसके अंदर भी नहीं आता, इसका मतलब ये मुअन्नस नहीं है, इसको हम मुज़क्कर डिक्लेयर कर देंगे। और मुज़क्कर होने के बाद ये काफिरुन, काफिरन, काफिरिन, इसका हालत रफा नसब जर हो गया। इसको मुअन्नस बनाने का तरीका क्या होगा? आखिर हर्फ पर जबर देंगे और गोलता का इजाफा कर देंगे। यही काम किया गया है। काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन। मश्क नंबर 3 पर चलते हैं जो कि पेज नंबर 30 पर है। तो अब यहां से आपके समझ में आई बात कि आपको अगर एक इसम दिया जाएगा तो उसकी 6 शक्लें बनानी। आगे हम लोग जैसे बढ़ते जाएंगे फिर 18 शक्लें बनेंगी, फिर 36 शक्लें इंशाल्लाह बनेंगी। मश्क नंबर सवाल है नफ्सुन मुअन्नस कैसे हुआ? क्या सवाल है? किसी का सवाल है नफ्सुन मुअन्नस कैसे हुआ? अभी ये बात शुरुआत हम लोगों के लेक्चर की यहीं से हुई थी कि कुछ ऐसे अस्मा होते हैं जिसको अहले ज़बान मुअन्नस मानता है और ऐसे मुअन्नस को हम लोग कहते हैं मुअन्नस समाई, जो हम अहले ज़बान से सुनकर हम भी उसको मुअन्नस की तरह से ट्रीट करते हैं। उन्हीं में से एक है नफ्सुन। अभी ये सारी बात यहाँ बताई थी, नफ्सुन, रीहुन, हरबुन, नारुन, अर्जुन, समाउन, ये सारे अस्मा लिखे थे जो कि मुअन्नस समाई की कैटेगरी में थे। हो सकता हो जिन्होंने पूछा वो शायद लेट ज्वाइन किया हो। मश्क नंबर 3 पर देखते हैं पेज नंबर 30 पर। मंदरजा ज़ेर अल्फाज के मानी याद करें और इसम की गर्दान करें। मुअन्नस हकीकी में मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों अल्फाज साथ दिए गए। जो मुअन्नस हकीकी है उसके साथ में इन्होंने पैरेलल मुज़क्कर भी दिया हुआ है, जो पैरेलल मुज़क्कर होता है। जो अस्मा मुअन्नस समाई है उनके आगे सीन लिखा गया है। अब इन्होंने यहाँ पर वजाहत कर दी है, जो मुअन्नस समाई होगा उसके आगे ये सीन ब्रैकेट में लिख देंगे। बाकी अल्फाज के मुअन्नस आपको खुद बनाने हैं। अल्फाज को ऊपर से नीचे पढ़े। सबसे पहला इन्होंने दे रखा है अखुन, अखुन, अखुन का मतलब होता है भाई, ठीक। और इसका जो पैरेलल में आता है वो है उख्तुन, इन्होंने दोनों लिख दिए हैं। उख्तुन का मतलब बहन। अब अगर अखुन हालत रफा में है, इसकी हालत नसब क्या होगी? हालत नसब अखन। माशाल्लाह, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। हालत जर अखिन हो गई। उख्तुन यानी कि बहन, इसकी ये हालत रफा में है। हालत नसब क्या होगी इसकी? उख्तन। इसमें अलिफ का इजाफा होगा क्योंकि ये लंबी वाली ता है, ताए मरबूता, ठीक है ना। ये लंबी वाली ता है, गोल ता पर एंड नहीं है। उख्तन और हालत जर उख्तिन, ठीक। अगला दे रखा है फासिकुन, फासिकुन, इसका मतलब होता है बदकार, ठीक। तो फासिकुन ये हालत रफा में है। हालत नसब क्या होगी इसकी? फासिकन, फासिकन, माशाल्लाह। हालत जर फासिकिन, माशाल्लाह। अब ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुअन्नस। ये मुअन्नस है, क्यों? ये मुजक्कर है कि मोअन्नस। आपने आंसर दिया मोअन्नस। तो मोअन्नस के किस वजह से आपने उसको मोअन्नस बताया फासिकुन को? देखिए फिर से उस कायदे को याद करिए, अरबी जबान में हर इस्म मुजक्कर समझा जाएगा जब तक उसका मोअन्नस होना साबित ना हो जाए। और मोअन्नस साबित करने के लिए बस आपको क्या देखना है, एक तो हकीकी देखना है, क्या इसका मीनिंग ऐसा है जो हकीकी मोअन्नस पर दलालत करता हो। फासिक का मतलब होता है बदकार, तो ऐसा नहीं है कि इसका मुकाबिल कोई मुजक्कर मोअन्नस मुजक्कर मौजूद हो, तो इसका मतलब ये हकीकी कैटेगरी से बाहर हो गया। अब गैर हकीकी में दो कैटेगरी बनती है, एक है अलामती जिस पर कोई ना कोई अलामत होती है, वो तीन अलामत है। क्या ये गोलता पर एंड हो रहा है? नहीं। क्या अलिफ ममदूदा पर एंड हो रहा है? नहीं। क्या अलिफ मकसूरा पर एंड हो रहा है? नहीं। इसका मतलब ये अलामती मोहन्नस से भी बाहर हो गया। अब लास्ट बचा वो है समाई। समाई तो वैसे भी नहीं है, इसलिए क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया है ये कि जो समाई होगा उसके आगे ये सीन बना देंगे, तो इसका मतलब ये मोहन्नस नहीं। अब ये मोहन्नस नहीं तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? मुजक्कर। तो मुजक्कर की आपने गर्दान कर दी। अब आप मोहन्नस इसकी बनाएंगे, तो मोहन्नस आप कैसे बनाएंगे? मोहन्नस कैसे बनेगी इसकी? आखिर हर्फ पर जबर देना है, आखिर हर्फ पर जबर देना है और गोलता का इजाफा कर देना है, फासिकातुन, ठीक। और इसकी हालत नसब क्या होगी? फासिकातन। और हालत जर फासिकातिन। माशाल्लाह, फासिकातिन। अगला इन्होंने दे रखा है कबीहुन। कबीहुन, कबीहुन का मतलब होता है बुरा या बदसूरत, ठीक। तो ये हालत रफा में है, तो हालत नसब इसकी क्या बनेगी? कबीहन। कबीहन, कबीहन। और हालत जर कबीहिन, कबीहिन। माशाल्लाह। अब इसको हमें मुअन्नस अगर बनाना है तो क्या करेंगे? आखिर हर्फ पर हम जबर देंगे, कबीहतन। आखिर हर्फ पर जबर दी और गोलता का इजाफा कर दिया, कबीहतुन। हालत नसब कबीहतन, कबीहतन। माशाल्लाह, बगैर अलिफ के इजाफे के कबीहतन। और हालत जर कबीहतिन, कबीहतिन। माशाल्लाह। अगला दे रखा है अरीसुन। अरीसुन का मतलब होता है दूल्हा। अब यहाँ पर आ गया मुकाबिल में, ठीक है ना, ये दूल्हा हो गया, इसके मुकाबिल क्या होगा? दुल्हन। तो वो दोनों वर्ड इन्होंने साथ में रखा। उन्होंने ऊपर शर्त ये लगाई थी कि मोअन्नस हकीकी में मुजक्कर व मोअन्नस दोनों अल्फाज साथ दिए गए हैं। तो यहाँ अरीसुन और अरूसुन। अरीसुन कहते हैं दूल्हा को और अरूसुन कहते हैं दुल्हन को। अरीसुन और अरू अरीसुन और अरूसुन। बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए होमवर्क के लिए दे दी जाए, कर लेंगे आप। पीडीएफ सबके पास है, अगर हार्ड कॉपी नहीं भी है, बुक नहीं है, तो पीडीएफ सबके पास अवेलेबल होगी। और हम इंशाल्लाह ग्रुप में पीडीएफ का लिंक दोबारा से शेयर भी कर देंगे। तो आप लोग ये कर लेंगे। पेज नंबर 30 सबक नंबर 3 हो जाएगा ना? ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इसको करेंगे, इससे बेहतर है कि हम लोग आगे के कुछ और चीजें इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ठीक। तो यहीं पर हम इसको रोक रहे हैं। मश्क नंबर 3 हम ये मान रहे हैं कि ये आपका होमवर्क है और आप इसको खुद से इंशाल्लाह कर लेंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो वो आप डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए भी। व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालें, जब मेरे पास वक्त होगा इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई कर देंगे। बाकी क्लास में भी अगर किसी को कोई डाउट रहा करे, नहीं समझ में आता है, तो वो चीज़ें पूछ सकता है। और क्योंकि मेरी तरफ स्क्रीन रहती नहीं है, तो जो स्क्रीन को देख रहा होता है, किसी का क्वेश्चन है, जैसे आतैयब भाई ने जो है इसका वजाहत करी, इसी तरह से बाकी लोग भी कह दिया करें कि किसी भाई का या बहन का सवाल है तो उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि हमें स्क्रीन नहीं दिख रही होती, तो हमें नहीं मालूम होता है कि किसी का कोई सवाल आया है, किसी ने हैंड रेज किया। आगे चलते हैं। इस्म के दो पहलू अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए। अब इस्म का तीसरा पहलू आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और वो है अदद का पहलू। दो पहलू कौन कौन से कवर हुए? जिन्स और एराब। अब आज से इंशाल्लाह तीसरा पहलू स्टार्ट हो रहा, वो है अदद। अदद को हम इंग्लिश में नंबर की हेडिंग में पढ़ते हैं, और अगर हम हिंदी की भी बात कर लें तो हिंदी में इसको हम वचन की हेडिंग में पढ़ते हैं। हिंदी या इंग्लिश या उर्दू जबान में वचन या नंबर जो होता है वो दो ही होते हैं, यानी कि अगर हम नंबर्स के हिसाब से इंग्लिश में डिवाइड करें या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा। ठीक, ये बात हमने इंट्रोडक्शन में जहां पर कलमे की तारीफ पढ़ी थी, कलमे के अकसाम पढ़े थे, वहां पर ब्रीफ हमने कर दिया था कि इस्म के बारे में चार पहलू चाहिए, तो उसमें हमने अदद के बारे में बस ये बात ब्रीफ में बता करके चले गए थे। आज इसको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से हिंदी में वचन दो ही होते हैं, या तो एक वचन या बहुवचन। ठीक है ना, यानी कि एक से ज्यादा चीजों के लिए प्लूरल या बहुवचन इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम उर्दू में जमा कहते हैं। अरबी जबान में लेकिन ऐसा नहीं है। अरबी जबान में हमें अदद के लिहाज से इस्म तीन कैटेगरीज में मिलेगा। फिर से इसको रिपीट कर दें, क्या कह रहे हैं हम? अरबी जबान में इस्म हमें तीन कैटेगरीज में मिलेगा। एक तो होगा वाहिद, जो कि सिंगुलर के लिए होगा, एक वचन के लिए होगा। ठीक, दूसरा आ जाएगी कैटेगरी यहाँ पर तस्निया, तस्निया कह लीजिए या मुसन्ना कह लीजिए। तस्निया आएगी जो दो पर दलालत करता होगा। अगर कोई चीज़ दो होगी तो हम तस्निया की कैटेगरी में लिखेंगे, प्लूरल की कैटेगरी में नहीं डालेंगे उसको। बात समझ में आई? फिर से इसको रिपीट करें कि अगर कोई चीज़ दो होगी तो हम उसको तस्निया की कैटेगरी में डालेंगे, प्लूरल की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अरबी जबान में प्लूरल की कैटेगरी में या बहुवचन की कैटेगरी में या अरबी में जिसको जमा कहते हैं, वो दो से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो जमा पर दलालत करेंगी, अगर दो होंगी तो वो जमा पर दलालत नहीं करेंगी। क्लियर है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे संस्कृत जबान में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर भी यूँ समझ लें तस्निया मतलब द्विवचन। तो अदद के एतबार से इसमें हमें या तो वाहिद मिलेगा या तो तस्निया मिलेगा। तस्निया और या जमा होगा। ये एक के लिए, ये दो के लिए, और ये दो से ज्यादा। ठीक, क्लियर होगा ये बात? यहां तक बात क्लियर है कि अरबी जबान में अदद के लिहाज से अस्मा या तो वाहिद होगा या तस्निया होगा या जमा होगा। क्लियर? आगे चले। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत सारी पुरानी आयत में आपको ये वाहिद और तस्निया और जमा के सीगे मिलेंगे, इंशाल्लाह अहादीस में भी मिलेंगे। और आज इंशाल्लाह एक पुरानी आयत और एक हदीस जिसको हमने शुरू में पढ़ी थी उसको डिस्कस भी करेंगे, वहाँ पर तस्निया का सीगा मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें क्या सीखना है? अब हमें ये सीखना है कि अगर हमारे पास कोई वाहिद इस्म हो तो हम उसको तस्निया कैसे बनाते हैं। क्या हमें सीखना है कि अगर हमारे पास कोई वाहिद इस्म हो उसको हम तस्निया कैसे बनाते हैं, यानी कि हमें तस्निया बनाने का फॉर्मूला सीखना है। तस्निया बनाने का तरीका। हम क्या सीखने जा रहे हैं कि वाहिद इस्म से तस्निया कैसे बनाते हैं। बात समझ में आए कि हम करने क्या वाले हैं कि हमें तस्निया कैसे बनाना है, हम ये सीखेंगे। ठीक, अब इसमें एक बात नोट कर ले अच्छी तरह से कि चाहे मुज़क्कर हो और चाहे मुअन्नस हो, दोनों ही केस में तस्निया बनाने का तरीका एक रहेगा। क्या कह रहे हैं हम कि चाहे मुज़क्कर हो और चाहे मुअन्नस हो, दोनों ही केस में हमें तस्निया बनाने का जो तरीक़ेकार है वो एक रहेगा। इसको चाहे कहीं नोट डाउन कर ले। मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए तस्निया बनाने का कायदा एक है। इसको लिख लीजिए, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस का तस्निया बनाने का तरीका एक है। ठीक, आपकी ये टेंशन कम हुई कि मुजक्कर के लिए अलग कोई कायदा नहीं है, मुन्नस के लिए अलग नहीं है, बल्कि दोनों के लिए एक ही कायदा पढ़ेंगे और दोनों इंशाल्लाह सीख जाएंगे। क्लियर ये चीज, यहां तक बात समझ में आई ना? अब हमें सीखना है कि कायदा क्या है। ठीक, तो अब कायदा सीखने से पहले एक बात और समझ लें, क्योंकि हम क्या क्या अब तक पढ़ चुके हैं, इराब पढ़ चुके हैं, जिन्स पढ़ चुके हैं। तो ये तो हमने जिन्स के एतबार से बात कर दी, जिन्सी में पढ़ा था ना मुजक्कर मुअन्नस, तो जिन्स के एतबार से कह सकते हैं इसको, और शॉर्ट में लिखना चाह रहे तो ये लिख सकते हैं कि जिन्स के एतबार से तस्निया बनाने का तरीका एक है, यानी कि मुजक्कर और मुअन्नस दोनों में एक रहेगा। दूसरी चीज हमने पढ़ी है इराब। इराब में कितनी हालतें होती हैं? तीन, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। अब यहां से नोट करिए, हालत रफा का तरीका अलग रहेगा और नसब और जर का तरीका अलग रहेगा। तो पहले हम लोग हालत रफा का तरीका सीख रहे, तो हम इसी में ये लिख सकते हैं कि हालत रफा में तस्निया बनाने का तरीका। बात समझ में आई ना? पहले रफा का सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह नसब और जर का सीखेंगे। तो इराब के एतबार से तस्निया बनाने का तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन जिन्स के एतबार से तस्निया बनाने का तरीका एक है। मेरा स्टेटमेंट समझ में आया? इराब के एतबार से तस्निया बनाने का तरीका मुख्तलिफ है, यानी कि रफा के लिए अलग रूल है और नसब और जर के लिए अलग है, और जिन्स के एतबार से तस्निया बनाने का तरीका एक है, यानी कि मुजक्कर और मुअन्नस के लिए एक है। अब कितने स्टेप चाहिए होंगे इसको? तो सिर्फ 2 स्टेप लगने वाले हैं, 2 स्टेप प्रोसेस है ये। ठीक, सिर्फ 2 स्टेप में हम इंशाल्लाह एक से डबल करना सीखने वाले हैं आज इंशाल्लाह। पहला कायदा क्या है, पहला रूल क्या है? ये हालत रफा की बात हो रही है। ठीक, पहला तरीका क्या है कि आखिर हर्फ को जबर देना है। जबर का मतलब ये जो सिंगल हरकत टॉप पर आती है, आखिर हर्फ को जबर देना है। ठीक, पहला कायदा क्या है कि आखिर हर्फ को जबर देना है। एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं तो बात ज्यादा इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगी। जैसे हमारे पास है, प्लीज एक बार और बोल देना जरा। अच्छा ठीक, 2 स्टेप का ये कायदा है, हमें 2 स्टेप अप्लाई करने। नंबर 1 स्टेप क्या है कि आखिर हर्फ को जबर देना है। पहला स्टेप क्या है कि आखिर हर्फ को जबर देना है। अब उसी को अप्लाई करने जा रहे हैं। हमारे पास एक इस्म है मुस्लिमुन, ये वाहिद इस्म है और मुजक्कर है, और मुजक्कर और चाहे मुअन्नस दोनों में तस्निया का तरीका तो एक ही है। ठीक है, तो जब तस्निया बनाएंगे तो हम इसकी टेंशन नहीं लेंगे कि मुजक्कर है कि मुअन्नस है। ठीक, तो ये हमारे पास एक इस्म आया मुस्लिमुन, ये वाहिद इस्म है, इसका मतलब होगा मुसलमान या एक मुसलमान। तब हमें एक मुसलमान से 2 मुसलमान बनाना है, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका, आखिर हर्फ पर हमें जबर देना है, तो आखिर हर्फ पर जबर दिया। ठीक, जबर दिया अभी जो कायदा पड़ा उसके हिसाब से। दूसरा रूल अब चलिए, दूसरा रूल बहुत ध्यान से सुनिए। दूसरा रूल क्या है कि जबर देने के बाद अलिफ और जेर वाला नून, अलिफ और जेर वाले नून का इजाफा कर देना है, इजाफा कर देना है। अलिफ और नूने कसरा। ठीक है, नूने कसरा नहीं समझ में आ रहा तो हमने इसीलिए पहले बोल दिया अलिफ और जेर वाला नून। कसरा किसको कहते हैं? जेर को कहते हैं, यानी कि ऐसा नून जिस पर जेर दिया गया हो। तो अलिफ और नून वाला जेर की इजाफा कर देने से क्या हो जाएगा? ये हमारा 1 से 2 बन जाएगा। कैसे? हमने पहला स्टेप यहाँ अप्लाई कर लिया था, मुस्लिमा हो गया था। अब हमें इसके अंदर अलिफ बढ़ा दिया हमने और जेर वाला नून बढ़ा दिया, तो ये क्या बन गया? अच्छा रिपीट कर दे रहे, क्या बन गया? मुस्लिमानी। कायदा नंबर 2 क्या है कि अलिफ और जेर वाले नून का इजाफा करना है, ऐड कर देना है। ठीक है ना, आखिर में हमें अलिफ और जेर वाला नून इजाफा कर देना है, तो हमारा मुसन्ना या फिर तस्निया का सीगा तैयार है। क्लियर है ये चीज? और इसको हमने, हमारे पास वाहिद सीखा मुस्लिमुन, उसके आखिर हर्फ पर हमने जबर दिया यानी कि मीम पर, और अलिफ और जेर वाले नून का इजाफा कर दिया। अब ये क्या बन गया? मुस्लिमानी। अब इसका मतलब हुआ दो मुसलमान, ये मुस्लिमुन एक मुस्लिम और मुस्लिमानी दो मुसलमान। क्लियर है ये बात। इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दो कायदे को हम फिर से रिपीट कर ले, गौर से सुनिए। कायदा नंबर एक, आखिर हर्फ पर हमें जबर देना है। कायदा नंबर दो, अलिफ और जेर वाला नून का इजाफा कर देना है, तो एक साउंड बनेगा आनी साउंड, ठीक ना। हमेशा जब भी मुसन्ना बनेगा हालत रफा में तो आनी साउंड निकलेगा, मुस्लिमानी। अभी हम लोग कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल्स तो बात ये ज्यादा वाज़ेह होगी। जैसे वलादुल है, वलादुल का मतलब लड़का, वलादुन का मतलब एक लड़का। अब एक लड़के से दो लड़का बनाना है तो कैसे करेंगे, आखिर हर्फ पर जबर देना है। आखिर हर्फ पर जबर दिया, आखिर हर्फ क्या है, दाल है, जबर दिया वलदा हो गया। और दूसरा स्टेप क्या है, अलिफ और जेर वाले नून का इजाफा कर देना है, अलिफ और जेर वाले नून का इजाफा कर देना, वलादानी। वलादानी का मतलब दो लड़के। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। और एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल देते हैं। हमारे पास वर्ड है किताबुन, एक किताब, ठीक। हमारे पास एक किताब है, वो भी पीडीएफ की शक्ल में, हार्ड कॉपी भी नहीं, ठीक। अब हमें दो किताबें करनी है। दो किताबें कैसे करेंगे, दो किताबें आखिर हर्फ को जबर देना है, ठीक। आखिर हर्फ क्या है, बा है, तो हमें इसको दो किताबें करनी थी, आखिर हर्फ को जबर दे दिया। और अलिफ किताबा और जेर वाले नून का इजाफा कर देना, किताबानी। कितनी आसानी से एक किताब से दो किताब बनेगा। तो अरबी जबान में एक का दो बनाना बहुत आसान। क्लियर है ना ये चीज, कोई डाउट नहीं है। इसको नोट कर लिया ना, क्योंकि हम सोच रहे कुछ और एग्जाम्पल्स आपकी कई अच्छी तरह से भरपूर प्रैक्टिस करवा दें तो इंशाल्लाह चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। और क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेट हुआ था तो थोड़ा लेट जाएगा भी। अभी लगभग 40, 41, 42 मिनट हुए हैं। 50 मिनट तक टाइम का वादा हुआ था, और अगर कभी 50 से ऊपर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अब इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल समझेंगे, और जो कुरान की आयत स्टार्टिंग में पढ़ी थी उसको देखेंगे और हदीस देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक बात क्लियर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। कायदा आपने नोट कर लिया होगा। अब तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एक का दो करने का, डबल कर ले, ठीक। हमारे पास है एक घर, एक घर है, ठीक, बैतुल। अब एक घर का दो घर करना है। अरबी में देखिए कितनी आसानी से कुछ सेकंड में एक का घर का दो हो जाएगा। आखिर हर्फ क्या है, आज इजान की आवाज अब आना बंद हो गई। इजान है कि नहीं है, नींद आ रही क्या इजान, नींद आ रही है इजान, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, क्लियर वॉइस नहीं आ रही है। बैतुन, हमारे पास एक घर है। अब एक घर से हमें दो घर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। आखिर हर्फ क्या है, हमारा ता है, आखिर हर्फ पर जबर देना है, बैता, और अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर देना है। क्या बन गया, बैतानी। बैतुन मतलब एक घर, बैतानी मतलब दो घर। क्लियर है ये चीज। एक गोलता वाला एग्जाम्पल कर ले। हमारे पास वर्ड है जन्नतुन। जन्नतुन का मतलब बाग, एक बाग, हमें दो बाग बनाने, तो दो बाग कैसे बनेंगे, आखिर हर्फ क्या है, हमारा गोलता। अब गोलता के केस में ध्यान रखना है, गोलता के केस में क्या करेंगे, हम गोलता को ओपन कर देंगे, यानी कि लंबी वाली ता बना देंगे। तो आखिर वाला हर्फ है ता, माशाल्लाह, जन्नतानी, बहुत बढ़िया। जन्नतानी मतलब दो बाग, दो जन्नत, दो बाग। क्लियर है ये चीज। इसी तरह से हमारे पास वर्ड है गुरफतुन। गुरफतुन कहते हैं कमरे को, एक कमरा है, दो कमरे बनाने हैं, आखिर हर्फ बोलता है उसको ता करेंगे, जबर देंगे, अलिफ और जेर वाली नून का इजाफा कर देंगे। गुरफतानी, एक कमरे से दो कमरे बन गए। अब स्टार्टिंग में जो आयत पड़ी थी आपके सामने सूरह रहमान, सूरह नंबर कौन सी है कोई बताएगा? सूरह रहमान सूरह नंबर 55। माशाल्लाह, किसने आंसर दिया? नाम बता दे। तैयब भाई, माशाल्लाह। ठीक, तो सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की आयत नंबर 46, आयत नंबर 46 में क्या है? वलीमन खाफा मकाम रब्बिही, वलीमन, आयत आपके सामने इंशाल्लाह लिख दे, वलीमन खाफा, वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अब आप समझ जाएंगे इसको, वर्ड को। अब बस सिर्फ और सिर्फ कुरान का लिखने का अंदाज अलग है, रसूल खलत अलग है। हम लोग जन्नतान अभी हमने यहाँ पर कैसे लिखी? ता के बाद अलिफ। कुरान कैसे इसको लिखता है? खड़ी जबर लगा देता है। खड़ी जबर और अलिफ मद्दा बराबर होता है। ये आपने कायदा पढ़ा होगा नूरानी कायदे में। तो जन्नतानी, ये सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की आयत नंबर 46। वलीमन खाफा मकाम रब्बी, जो डर गया अपने रब के सामने खड़े होने से, जन्नतान, उसके लिए दो बार है। ठीक है ना? तो ये बात समझ में। अब आप कुरान में बहुत सारे ऐसे वर्ड देखेंगे और हदीस में वैसे वर्ड बहुत देखेंगे जहां पर आपको तस्निया का सीगा, मुसन्ना का सीगा मिलेगा। वो साउंड आपको पकड़ना, आनी साउंड, आनी साउंड कहीं मिले उसको आपको डिक्लेयर कर देना है कि ये तस्निया का सीगा है। हदीस भी देख लेते हैं। हदीस हमने स्टार्टिंग हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? अल माहिरु बिल कुरानी। इस हदीस को भी लिखते चले, अल माहिरु बिल कुरानी मास सफरतिल किरामिल बरारा। अल माहिरु बिल कुरानी मअ सफरतिल किरामिल बरारा। आगे क्या है? वल्लज़ी यक़राउल कुराना, वल्लज़ी यक़राउल कुरान वयतत्ताऊ फी वहुवा अलैहि शाक़, यहाँ पर शाक लहू। अब जो आपने पढ़ा है वो वर्ड आने वाला है अजरान। ये वर्ड आपने पढ़ रखा है कहीं? हम लोगों ने जब एराबी हालतें पढ़ी थी वहां पर अजरुन वर्ड पढ़ा था। अजरुन का वर्ड का मीनिंग क्या था? अजर और सवाब आपने पढ़ा था वहां पर। तो उसको हालत रफा नसब जब हमने करके देखा था, अजरुन, अजरन, अजरिन, और आज यहाँ पर उसी अजरुन करके भी देख लेते। अगर हमारे पास एक अजर है, अजरुन है वर्ड, इसको दो बनाने तो कैसे बनेंगे? अजरानी, और यही वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है हदीस में। ये रिवायत सही मुस्लिम हदीस नंबर 1862। ये अल्फाज भी सही मुस्लिम के, हदीस भी सही मुस्लिम की है। सही बुखारी में स्टार्टिंग के अल्फाज नहीं, लेकिन ये लहू अजरान वाले अल्फाज सही बुखारी में भी है। ठीक, अब इसका मतलब भी देखते चले। अल माहिरु बिल कुरानी, कुरान का जो माहिर होगा, मा सफरतिल किरामिल बरारा, वो ऐसे फरिश्तों के साथ होगा जो बहुत ज्यादा इज्जत वाले होंगे और अल्लाह के बहुत फर्मा बरदार होंगे। वल्लज़ी यक़राउल कुरान, और वो जो कुरान पढ़ता है, वयतत्ताऊ फी, और उसमें वो अटकता है, हकलाता है, ठीक, उसमें फंसता है वो, वहुवा अलैहि शाक़, और ये उसको फंसना बहुत शार्प गुजरता है, बहुत भारी गुजरता है, बहुत टफ लगता है उसको। लहू अजरान, उसके लिए डबल अजर। ठीक है, रिवायत सही मुस्लिम की है। तो आपको कुरान और हदीस में बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आनी साउंड पर एंड हो रहे होंगे, तो वहां से आप इसको पहचान जाएंगे कि ये हालत रफा वाला मुसन्ना है। आज आपने क्या सीखा है? एक से डबल बनाना सीखा है, यानी कि वाहिद से तस्निया बनाना सीखा है, लेकिन हालत रफा में सीखा है। अभी हमारा नसब और जर रह गया है, क्योंकि वक्त हो गया है, तो इंशाअल्लाह हम लोग इसको कल सीखेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। और हाँ, क्लास तो मंडे टू फ्राइडे है, कल से मेरा मतलब है जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह, मंडे को अब मिलेंगे। तो ये आपके पास अब 2 दिन का जो गैप है, उसमें आपको रिवीजन करना है, भरपूर रिवीजन, क्योंकि काफी सारी चीजें हम लोग की धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है। अब अगर आपने रिवीजन करना छोड़ दिया तो होगा क्या, जब चीजें कई सारी हो जाएंगी तो आपको पहाड़ की तरह दिखने लग जाएंगी, फिर आपकी चीजें दिक्कत तलब हो जाएगी। और आपने ये चीज नोटिस करी होगी, हर चीज पिछले लेक्चर से कनेक्टेड। ऐसा नहीं कि अब एराब पढ़ के भूल जाना है, एराब देख रहे हैं बार बार आ रहा है, ठीक ना। अब आगे हम लोग जब वसात पढ़ेंगे तो अदद बार बार आता रहेगा, जिन्स आता रहेगा, जो जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं उसका कंटिन्यूएशन में यूज होता रहेगा। आगे इवन सेंटेंस बनाएंगे तो वहां भी हमें ये सारी चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक ना। तो चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं आप। उसके बाद भी कोई चीज़ डाउट होती है, डाउट क्रिएट होता, नहीं समझ में आता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं। जब हमको वक्त मिलेगा हम इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर देंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।